थैंक्स प्रिया, थैंक्स यू सेव मी। और हमें मरवा दिए। और इतनी मुश्किल से तो एक अपराधी पकड़ा था, वो भी झूठा निकला। बुढ़पा क्या कहा? अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये जो हमारी भांजी है ये चोर नहीं ना हो सकती है। अब तू बता, ये थाना में बंद थी फिर भी बाहर चोरी हुआ, इसका मतलब चोर कोई और ही रहा होगा ना? क्या? मैंने तो हेड ऑफिस में भी बोल दिया है कि हमने एक केस दर्ज किया था। हम मालूम पड़ेगा कि वो केस झूठा निकला तो हम दोनों की तो नौकरी चली जाएगी सर। अब तो हमारी नौकरी का सवाल है। देखिए, हम आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप में से कोई एक चोर बनकर यहीं रह जाइए। इतनी मेहरबानी कीजिए हम पे। हाँ? अरे बुढ़पा कहेगा? अरे जब हम चोरी नहीं हूँ तो काहे थाने में रुकूंगा। देखिए, आप एक चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले लीजिए, हम आपको दो चोरी फ्री में दे दूंगा। अरे का मतलब का है तुम्हारा? मतलब हम तुमको सिर्फ एक चोरी के लिए पकड़ूंगा, दो चोरी के बारे में किसी को बताऊंगा भी नहीं। बस एक बार मान जाइए आप। ए बुर्बक, जान पर नहीं तो। देखो, हम एक चोरी के लिए नहीं ना मान रहा हूँ, पर ये हमसे तीन चार चोरी करवा रहा है। जानवर है जानवर, अरे बिना बात के ही हमको अंदर कर सकता है। चलो भाई चलो। हाँ, बड़का पुलिस वाला बनता है, कन खजूरी का नाती। चलो बिटिया आओ। साहब, हम पुलिस वाले तो लूट गए, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। अरे अम्मा, समझ नहीं आ रहा का, हमें स्कूल नहीं जाना है, हमें तो खेलने जाना है भुवन के साथ। स्कूल नहीं जाना है तो फीस का मुफ्त का भरे हैं? चल जल्दी से तैयार हो जा। अम्मा हमें खेलने जाना है, खेलने। कहाँ बोला रे? बंटी कहाँ कर रहा है, खेलने नहीं जाना है? हम जा रहे हो भुवन के साथ खेलने। रुक चलो। रुक, ये भुवन कौन है? ये भुवन है। और तू कौन है? ये जो पड़ोस की गायत्री काकी है ना, उसका बेटा हूँ हम। तो यहाँ क्या कर रहा है? जा भाग। हाँ, चल। रुक, रुक, रुक। तो हमारा बंटी कहाँ है, उसे देखा क्या? ये रहा तेरा बंटी। हम जाते हैं। आप कौन है? अरे हम तुम्हारी माँ है। लेकिन हमारी माँ तो बहुत पहले परलोक सिधार गई। क्या बकता है रे? ये जीती जागती तुमने सामने खड़ी है और हमको मार रहा है। अरे ये है तेरी अम्मा, पहचानता है कि नहीं? माँ। हाँ अभी पहचाना ना, जीते रहो। हाँ खुश रहो, खुश रहो। चल अब स्कूल जाना है, तैयार हो जा। हम स्कूल? हमारा स्कूल तो बहुत पहले खत्म हो गया है, अब हम बहुत बड़े हो गए हैं ना। हम सब जानते हैं तेरा बहाना। हाँ चल, कुछ नहीं चलेगा। चल चल स्कूल का ड्रेस पहन ले। माँ। चल चल कहा ना, चल चल। अरे सुन सुन सुन, कमाल है, पहले तो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था और अब स्कूल का ड्रेस पहनते ही ऐसे भागा कि पूछो मत। बॉडम कहीं का। अस्ता, अब तो तू फ्री हो गई है ना, तो अब तो अपसेट क्यों है? रिया, इतना ह्यूमिलिएशन हुआ, इतनी इंसल्ट हुई, फ्री होने से क्या होता है? सब कुछ ठीक तो नहीं हो गया ना आस्था? अब वो ठीक कैसे होगा आस्था, प्लीज रिया, मुझे उस रियल चोर को पकड़ना है, मुझे पकड़ना है उसे। आस्था हम उसे कैसे पकड़ेंगे, और हम ये भी नहीं जानते वो रियल चोर है कौन। बचाओ 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 बचाओ। अरे बैठिए इधर बैठिए। अरे आप, आपको तो दिखता ही नहीं है, तो आप इतनी तेजी से कैसे दौड़ रहे थे? अगर आपको लग जाती तो। बचाओ बचाओ बचाओ। अंकल आप किससे बच रहे? वो बंटी की माँ पारो से, वो हमको बंटी समझकर मार रही थी और हमको स्कूल भेज रही थी और हमको ये ऐसे तंग कपड़े पहना रही थी, हम तो मर जाएंगे। अब आप यहाँ पे बैठिए, आपको कुछ नहीं होगा। आस्था एक क्या? क्या आस्था, मुझे लगता है गिरधारी लाल अंकल ही चोर है। व्हाट? हाँ देखना, उनको तो कुछ दिखता भी नहीं है फिर भी वो भाग रहे, कैसे? लेकिन पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि गिरधारी लाल अंकल को दिखता है या नहीं। हाँ लेकिन कैसे? मैं जाके कोकोनट लेके आती हूँ, मैं अभी आती हूँ।
रिया ये कोकोनट ना मैं उनके सर पे फेंकूंगी, अगर उनको दिखता होगा ना तो वहां से भाग जाएंगे और पकड़े जाएंगे। चलो चलो मार दिया। इससे अच्छे मैं बंटी की माँ पारो के हाथ का मार खाता, वो हाथ से मार दिया। आस्था मुझे लगता है गिरधारी अंकल भी चोर नहीं है। आस्था तो चोर कौन है? ओह गॉड, अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे आस्था? बच्चों गौर से सुनो, ये तुम्हारी एक्टिंग क्लासेस है ते मैं मिसेस मीना कुमारी खन्ना तुम लोगों की एक्टिंग गुरु हूँ, समझे? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, बॉबी देओल, अभिषेक बच्चन, इन लोगों को मैंने नहीं सिखाया तो क्या होया? मैं तुम लोगों को सिखाऊंगी और तुम लोग उनसे बड़े स्टार बन जाओगे, समझे समझे समझे। अब मैं सिखाती हूँ रोमांटिक डायलॉग कैसे बोलते हैं। हीरो का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं तुसी मेरे मक्के दी रोटी हो ते सरसों दा साग हो, तुहानू मैं इन्ना प्यार करनी आ, इन्ना प्यार करनी आ, जिन्ना जिन्ना आंटी आगे भी तो बोलिए। कैसे बोलूं, फीलिंग्स नहीं आ रही है। आपको भी नहीं आती है तो हम लोग को कैसे सिखाओगे? समझाती हूँ, देखती हूँ ये खुद ही फीलिंग कैसे नहीं आती है। अभी लाती हूँ फीलिंग को। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ एक्टिंग कैसे करती है, रोमांटिक डायलॉग्स कैसे बोलते हैं। मेरे प्राण प्यारे, मेरे प्राण नाथ, तुसी मेरे जीने का सहारा हो। तुसी मिलने के बाद मैंनु ये ही नहीं पता लगता कि दिन कब हुई, रात कब हुई। प्लीज बिहेव योरसेल्फ, व्हाट इज दिस? अभी सॉरी है राहुल जी, वो क्या है, मैं जज्बातों च बह गई, फीलिंग्स आ गई तो मुझे याद ही नहीं रहा कि आप हो। मैंने लगा वो अभिषेक के बच्चन है। कोई बात नहीं, कभी कभी ज्यादा फीलिंग आ जाती है ना तो ऐसे ही करता है इंसान। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्टिंग में फीलिंग कैसे लाते हैं। ओके वेट, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिंग में फीलिंग कैसे लाते हैं। मैं आपको अब एक्टिंग करके दिखाऊंगा कि मैं एक बहुत बड़ा किलर हूं। ओके ओके, मैं तुहानू इतना ना पसंद करता हूं, तुहानू इतना हेट करता हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं? मैं इस कैंची से तुम्हें काट डालूं। नहीं, यस, ये तो रोमांटिक फिल्म थी, ये थ्रिलर कैसे हो गई है? ये रोमांटिक नहीं थी, ये थ्रिलर ही थी। हाय रब्बा, बचाओ! ये थ्रिलर ही थी। क्या करे, कैसे पकड़े उस चोर को? अरे आस्था, हम पकड़ेंगे तो तब ना, जब हमें पता चलेगा वो चोर है कौन। आस्था जी मैजिक कर सकता है? जी तो मैजिक तब करेगा ना जब चोर उसे दिखेगा। आस्था वो देख, वाव, पर हम लोग टीवी में कैसे दिख रहे हैं? कई गंगा अंकल ने हमारे रूम में टीवी कैमरा तो नहीं लगा दिया? हमारा ची कह रहा है कि उसने टीवी के वायर्स पकड़ रखे हैं। वाह, ची ये मैजिक भी कर सकता है। जब ची टीवी की वायर्स पकड़ता है ना तो उसकी आंखें कैमरे जैसा वर्क करती है, तभी तो हम टीवी में दिख रहे थे। आस्था हम घर जाकर सचिन को बताएंगे कि हमारा ची ये मैजिक भी करता है। रिया एक आइडिया है मुझे, हम चोर को भी पकड़ सकते हैं। कैसे? देख हम एक काम करेंगे, हम ची को बाहर रखेंगे और उसको वायरस पकड़ा देंगे। फिर उसकी आंखें कैमरे जैसा वर्क करेगी,
फिर हम यहाँ बैठ के सब देखेंगे। वाओ, लाइव टेलीकास्ट। हाँ, और जब चोर आएगा तब हम उसे पकड़ लेंगे। वाओ, गुड आइडिया, थैंक यू चीफ। चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो, तभी ना पकड़ेंगे चोरवा को जब वो दिखेगा। अब कैसे पकड़े भाई? अरे जादू से। हाँ, अभी हम सोच के बताता हूँ कि अमिताभ बच्चन साहब कौन कौन पिक्चर में इंस्पेक्टर बने रहे और कैसे उन्होंने चोरन को पकड़ा। गिरधारी बताबा, अमिताभ बच्चन साहब कौन कौन पिक्चर में इंस्पेक्टर बने रहे और उन्होंने चोरन को कैसे पकड़ा, बता। बताता हूँ, पहले ये बात बताओ अमिताभ बच्चन कौन है? इस धरती पे रहते हो, अमिताभ बच्चन साहब को नहीं ना जानते हो? अरे तो अंधा है, ये का देखा होगा फिल्म? हाँ, ओके लिए तो अमिताभ बच्चन और जॉनी लीवर एक जैसे नहीं ना। हमें काम करता हूँ, हम चोर के नाम की एक चिट्ठी लिखता हूँ। अच्छा? और उसे पोस्ट भी कर देता हूँ। अब जब डाकिया चिट्ठी लेके चोर का घर जाएगा तो हम उसका पीछे पीछे जाता हूँ तो चोर का घर का पता चल जाएगा। अरे कितना अच्छा आइडिया दिया है भाई। अरे उठो उठो, लेटर लिखो जल्दी से। अरे बुड़बक नहीं तो है? अरे मान लो कि चिट्ठी लिख दिया है और लिफाफे में डाल भी दिया है, अरे पता कौन सा लिखेंगे इस पर? का करे, ये चोर ने तो पगलवा दिया है एकदम। अब तो आखिरी रास्ता एक ही बचा है हमारे पास, बुझे के सारे लोग उल्लूवन की तरह रात भर जागते रहो और जैसे ही चोर आए पकड़ लो। हाँ, ये कहीं ना पते की बात, आज तो ससुरे चोर को उसके ससुराल पहुंचा के ही रहेंगे। चलो, ये पिद्दी से चुहिया को तो देखो, हमें डरा धमका कर बदी का घर का पता जान लिया है। तुमको क्या डरा भाई, डराया तो हमको है उस फोटो वहाँ पे चिपका कर। चिंता मत कर, उन दोनों का पिछवाड़ा ऐसा सिकेगा ना कि वो दोनों छत की पंखी तक उछलते रह जाएंगे। वो कैसे? मैं बताता हूँ, ऐसे। इससे क्या होगा? ई पर हमने खिले ठोके रहे और वो भी बड़े बड़े और वो भी उल्टे। जब रिया रास्ता बैठेंगे ना तो उनका तो पिछवाड़ा अब मजा आएगा, इतने छेद हो जाएंगे ना कि जिंदगी भर बैठ नहीं पाएंगे। अरे भूल, अरे क्या कर रहे, अरे पगला गए तो, अरे भूल पगला गए हो क्या तुम? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे खींच का रहे हो? अरे हम कर लग जाएगी, अरे हमारे पीछ हमारे पिछवाड़ा। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। लगता है वो घर पर है, चलो भागो। देखो बच्चों, अब मैं तुम्हारी स्विमिंग टीचर हूँ और मैं तुमको स्विमिंग सिखाऊंगी। पहले पानी में ऐसे उतर जाते हैं, ओके ओके, फिर लेट जाते हैं, फिर हाथ चलाते हैं, फिर पैर चलाते हैं। आंटी स्विमिंग तो पानी में करी जाती है। चुप कर, मेरे को नहीं आती पानी की स्विमिंग, मेरे को हवा की स्विमिंग आती है। मेरा मतलब है बच्चों, अगर स्विमिंग सीखे बगैर पानी में उतार जाओगे तो डूब जाओगे, है ना? अब मैंने किया वैसे तुम करके दिखाओ। चलो चलो चलो, ले जाओ, छेती करो छेती करो। हैं, अब हाथ चलाओ, ओलंपिक्स में भेजूंगी। मिसेस खन्ना, ये ऐसे नहीं मानेगी, आज इसे अच्छा मजा चखाता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? स्विमिंग क्लासेस हो रही है। वाओ, ग्रेट, वाह, ग्रेट आइडिया मिसेस खन्ना, वाह। पहली बार देख रहा हूँ कि स्विमिंग क्लासेस के लिए स्विमिंग पूल की जरूरत ही नहीं है। वाह 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 वाह, थैंक्स यू, थैंक्स यू। मुझे लगता है कि आप सबको उड़ना भी सिखा सकती हैं। आप इनको दिखाइए कि कैसे उड़ते हैं। चलिए। मैं कैसे उड़ सकती हूँ? मिसेस खन्ना, आप इतना घबरा क्यों रही है? अरे छत पर जाकर आसमान में थोड़ी कूदना है, यहाँ इस कुर्सी पर चढ़ जाइए, बस हल्का सा उड़कर दिखाइए। अच्छा तो ठीक है। देखो बच्चों, 1, 2, 3। आसद,
देर हो गई, वो चोर तो अब तक आया ही नहीं। और ये गिरधारी अंकल की भी कैसी बीमारी है भगवान ही जाने। रिया, रिया चोर, चोर देख। देख कैसे चोरों की तरह आ रहा है, चोर कहीं का। चल चल से पकड़ दे। मिलते रहे, बिल्कुल मिलते रहे। माफ कर दीजिए भैया, माफ किया, ऑलरेडी माफ किया। जाओ पोटली भी है। हाँ बिटवा, हाँ एक बेटा, देखा जरा, देखा कहाँ है, क्या अंदर? ये तो जेवरात है। ओह, ये तो हमारे जेवर है। बोला बोला अब। मैंने कहा था ना अंकल, ये चोर है। अरे गंगा भैया, हम चोर नहीं है। ये जेवर तो हमें पारो भाभी ने दिए थे जौहरी समझ के, और हम तो दो दिन से इन्हें वापस रखने की कोशिश कर रहे थे। हर बार कोई हमें चोर चोर समझ के पकड़ ले रहा था। क्या पत्री, बहुत चुप बोल रहे तुम। गंगा अंकल ये देखो, पत्री भैया के जेब में मंगलसूत्र पारो आंटी का। अरे हाँ बिटिया, हाँ ये तो वही है। बोला अब, बोला बोला जरा। अरे गंगा भैया, हम अपनी जन्म देने वाली मैया की सौगंध खा के कहते हैं, ये मंगलसूत्र हमारी जेब में कहाँ से आया हमें नहीं पता। हम तो इसे अभी देखा हूँ, हमें नहीं पता ये कहाँ से आया। हम कसम खाता हूँ। चुप बुड़बक कहीं का, जी करता है तुमको बहुत मारूं। हम हजार मारेंगे और एक गिनेंगे। चलो इसको पुलिस स्टेशन लेके चला। रिया अब हम ये पूरी रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखाएंगे, और ये इस बात का सबूत है कि चोर बद्री है। आस्था, you both are great. आज तुम्हारी वजह से और हमारे चीके वजह से असली चोर पकड़ा जाएगा। क्या हुआ? एक मिनट। जी तुम ये फ्रेम देख रहे हो, उसमें पर्टिकुलर जगह है, उसे जूम करो। ओह गॉड, रिया तुमने देखा? ये सस्ता गिरधारी अंकल ही चोर है। कितनी सफाई से उसने मंगलसूत्र बद्री भैया के जेब में डाला। इसका मतलब ये है कि बद्री अंकल वो पोटली हमारे घर लाने ही वाले थे। रिया अब हमें किसी भी तरह प्रूफ करना है कि असली चोर गिरधारी लाल है, बद्री भैया नहीं। पर हम ये कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे?